हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे 10 मिनट के शो में, जहां पे हम बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की और करेंगे उनका डीपली एनालिसिस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो बार्क है ना, आपने बार्क का नाम सुना होगा, तो बार्क में अभी वहां पे क्या हुई है, एक अपॉइंटमेंट हुई है। क्या, किसकी पोस्ट पे? डायरेक्टर के पोस्ट पे। तो किसकी अपॉइंटमेंट हुई है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक भसीन। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं ये है विवेक भसीन। अच्छा, और यहाँ पे अगर बार्क की बात करें तो बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये बिल्कुल बेंगलुरु में है आपका, कर्नाटका बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्होंने सक्सीड किसको किया है, मतलब किसके बाद आए हैं, तो आपको वैसे इनका नाम भी एक बार के लिए याद रख लेना चाहिए। उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, इनके बाद ही क्या हुए, इस पोस्ट पे चुनकर आए हैं, कौन? विवेक भसीन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेयर इज द रिसेंटली सेलिब्रेटेड कर्म पूजा महोत्सव? कर्म पूजा महोत्सव जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, झारखंड में जो है अभी ये रिसेंटली पूजा क्या हुई, सेलिब्रेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन फिश सी रॉबिन्स। यहाँ पे देखो, आप पिक्चर में एक फिश देख सकते हो, ये फिश की एक नई प्रजाति है जो अभी हाल ही में किसके द्वारा खोज की गई है, ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने इसकी क्या की, खोज की है, और इसको क्या नाम दिया गया है, आर रॉबिन्स। ठीक है, सॉरी सी रॉबिन्स, तो सी रॉबिन्स जो है इसको नाम दिया गया है। अभी पूछा जा रहा है कि आपसे कहाँ पे ये जो फिश की स्पीसीज है ये पाई गई है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये पाई गई है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, ये है कोलकाता में। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, वेयर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कला क्रांति मिशन? कला क्रांति मिशन कहां पे लॉन्च हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल में जो है कला क्रांति मिशन जो है स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। ठीक है, उन्होंने अभी इसका इनॉग्रेशन किया। अच्छा, गवर्नर का नाम क्या है वहां पे, वो है आनंद बोस। ठीक है, आनंद बोस जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर, उन्होंने इसका क्या किया, लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्पोर्ट हैज इंडिया वन द गोल्ड मेडल आफ्टर 41 इयर्स इन द 19th एशियन गेम्स? देखो, अभी जो है 19th एशियन गेम चल रहे हैं, हम रोज इसके बारे में बात करते हैं, तो अभी जो क्वेश्चन वो ये है कि 41 साल बाद इंडिया ने गोल्ड जीता है, कौन से गेम में जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है, और किस में जीता है, 19th एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो पिक्चर में, तो ये जो जीता है वो है हॉर्स राइडिंग के अंदर। ठीक है, हॉर्स राइडिंग के अंदर इंडिया ने 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो आगे देखते हैं। When is World Tourism Day celebrated every year? तो हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन एक बार हम सभी को देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले 24 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड रिवर्स डे। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद 25 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। ठीक है, और बात करें 26 सितंबर की, तो हम मनाते हैं यहां पे वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। ठीक है, ऑलराइट। और अगर मैं बात करूं 27 सितंबर की, तो हम मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे आपको क्या याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवार्डेड द 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। देखो, यहाँ पे जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ना, ये सिनेमा में दिया जाता है, सिनेमा के अंदर जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये जो है हाल ही में प्रेजेंट किया गया है 53rd नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड, किसको? वहीदा रहमान को। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा ये मैं आपको बताऊं कि इसके अनाउंसमेंट किसने करी, ठीक है, या फिर कौन करता है जनरली दादा साहब फाल्के अवार्ड के अनाउंसमेंट, तो ये करते हैं हमारे मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ऐसे कर लो, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ठीक है,
ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो क्या करते हैं, इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। और अगर मैं बात करूं अभी कौन है हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। न्यू दिल्ली के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है वो अभी लॉन्च हुई है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखो, जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है ना, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, याद रखना, हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया है, इसका अनावरण किया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये क्या होगा कि ये जो बस है ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिसेंटली स्टार्टेड छतन हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू। ये जो छतन हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है ये रिलेटेड किस चीज से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये रिलेटेड है सिक्किम स्टेट से। ठीक है, सिक्किम के जो सीएम है तमंग, पीएस तमंग। ठीक है, सिक्किम के जो सीएम है पीएस तमंग, उन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है किसको, छतन, दोबारा लिख देता हूं, छतन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द विनर ऑफ मोटो जीपी इंडिया 2023। ये देखो, मोटो जीपी जो है अभी इंडिया में हुआ, ठीक है, और अभी 2023 के अंदर हुआ, रिसेंटली, बहुत ही रिसेंट की बात है मतलब। तो ये किसने जीता, तो यहाँ पे जो विनर रहे वो है मार्को बेजक्की। ठीक है, मार्को बेजक्की जो है ये विनर रहे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, और कहाँ पर है ये, तो ये है नोएडा के अंदर। तो आपको ये याद रखना है विनर और ये कहाँ पे हुआ ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has recently been appointed by the Japanese company Ukilo as its first brand ambassador in India? तो यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर में देख के आंसर पता चल ही गया होगा। तो yes, it's Katrina Kaif. Katrina Kaif जो है brand ambassador बन गई है Japanese company Nikolo की। ठीक है, next question. The chalk project which was in discussion recently is related to. देखो, अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है वो डिस्कशन में था, यानी न्यूज में था, तो वो उसका नाम क्या था, चौक प्रोजेक्ट। तो ये जो चौक प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और बेसिकली स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट का क्या किया है, मतलब ये पूरा न्यूज में चल रहा था और इसका पूरा एम भी यही है कि स्कूल के अंदर जो एजुकेशन मिलती है उसको और ज्यादा उसकी क्वालिटी एनहांस की जाए। ठीक है, तो ये है इसका पूरा मोटिव और ये कौन से स्टेट की है, छत्तीसगढ़ स्टेट की। तो बस ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस और ट्राई किया है कि हम सेशन को थोड़ा कॉम्पैक्ट रखें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूलना। और यहाँ पे जो GK24 एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अलावा यहाँ पे देखो MCQ होते हैं बहुत सारे, जिसको आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। और इसके अलावा यहाँ पे काफी सारा स्टडी मटेरियल है। ठीक है, और ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपल क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। और जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसका आप यूज करके अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियो को। मैं मिलता हूँ जल्द आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे ही 10 मिनट शो की, और वहां पे हम आपकी नॉलेज को करेंगे और ज्यादा इंक्रीज़।